उत्तराखंड में जंगलों के धधकने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रभागीय वन अधिकारी वन प्रभाग अल्मोड़ा दीपक सिंह ने बताया कि जंगल की आग की चपेट में आने से कुल 4 लीसा श्रमिक आग में झुलस गए थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां बीती देर रात उपचार के दौरान एक श्रमिक की और मृत्यु हो गई। आग में झुलसे 2 महिला श्रमिकों को बेस अस्पताल से हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया गया है। DFO दीपक सिंह ने बताया कि मामले में वन विभाग द्वारा वन अपराध के तहत केस दर्ज किया जा चुका है। मामले में कार्यवाही भी की जा रही है। DFO ने आगे बताया कि मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ने भी मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्यवाही पर काम शुरू कर दिया है। मालूम हो कि बीते गुरुवार की शाम सोमेश्वर थाना क्षेत्र के सन्यूरा कोट में एक बड़ा हादसा हो गया। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सन्यूरा कोट के जंगलों में लीसा दोहन का कार्य चल रहा था। नेपाल मूल के दीपक पुजारा, जिनकी उम्र 35 साल, उनकी पत्नी शीला, जिनकी उम्र 30 साल बताई जा रही है, इसी के साथ ज्ञान बहादुर उम्र 40 वर्ष और उनकी पत्नी पूजा, जिनकी वर्ष महज 28 साल बताई जा रही है, ये लीसा दोहन का काम कर रहे थे। इसी दौरान चारों जंगल की आग में चपेट में आ गए। दीपक पुजारा की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों महिलाओं को हल्द्वानी के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमने वहां मौजूद अपने संवाददाता से बातचीत की। बातचीत के दौरान क्या जानकारी हाथ लगी, आप भी सुनिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रमेश चौड़ौत, जो इस मामले से जुड़ी अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खबर आ रही है कि 4 श्रमिक जो है वो झुलस गए थे आग में, और क्या अब वहाँ की स्थिति है और किस तरीके से, क्या वहाँ से प्रावधान ठीक से नहीं थे, सुरक्षा ठीक से नहीं थी, जो इतना बड़ा हादसा होने की खबर सामने आई है? जी मैडम, ये लोग लीसा श्रमिक मूल रूप से नेपाल के निवासी थे, जिसमें 2 पुरुष 2 महिलाएं कार्य कर रहे थे जंगल में। जी जी, जंगल में अचानक आग की चपेट में आने की वजह से 4 के मजदूर झुलस गए थे। जी जी, जिसमें से एक की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी, नेपाली मूल का जो खरनी, दूसरा अज्जला नीचे सड़क पर गिरा हुआ पाया गया, जिसके ग्रामीणों की मदद से उसको उठा के अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल भेजा गया, जिसकी वहाँ मौत हो गई है। जी, ये खबरें तो तेज हैं। क्या आप थोड़ी सी जानकारी और दे सकते हैं कि ये जो इसका कार्य चल रहा था लीसा दोहन का, ये कब से चल रहा था, क्या होता है, और इसके अलावा जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों की फिलहाल बहुत ही गंभीर स्थिति होगी, और क्या प्रशासन की तरफ से उन परिवारों के लिए, उन परिजनों के लिए कुछ वादे किए जा रहे हैं? प्रशासन की तरफ से सिर्फ उन्हें बेस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, और उसके बाद उनको 2 जो गंभीर रूप से 2 महिला श्रमिक हैं उन्हें हल्द्वानी को रेफर कर दिया गया है, और इस तरह से कोई मदद, आर्थिक मदद को अभी तक नहीं की गई है। क्या कुछ लगाया जा सकता है अंदाजा कि आर्थिक मदद की भी संभावनाएं हो सकती हैं इस मामले में? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के आदमी थे, ये लीसा दोहन का कार्य इन दिनों गर्मी के सीजन में ही किया जाता है पहाड़ों में। जी। और अभी पूरे पहाड़ जो है जंगल में आग की चपेट से झुलसे पड़े हैं, और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाया है, लोगों का सांस लेना भी बड़ा दूभर हो रहा है। जी, तो ये लीसा दोहन के कार्य जो आप बता रहे हैं कि इसी मौसम में किए जाते हैं, और इसके अलावा क्या वहाँ पे सुरक्षा का अभाव था, क्या सुरक्षा संसाधनों का अभाव था, जो ये बड़ा हादसा होने की खबरें सामने आई हैं? जी मैडम, सुरक्षा उनका तो अभाव रहता ही है। जी, पहाड़ पूरी तरह से झुलस गए हैं, वन विभाग नाकाम साबित हो रहा है जंगलों में आग बुझाने के लिए। जी, और जबकि प्रशासन द्वारा और वन विभाग द्वारा सिर्फ वादे किए जा रहे हैं कि जंगलों को आग से बचाया जाए, और ग्रामीणों का इनमें कोई सहयोग नहीं दिखाई दे रहा है। जी ठीक है, हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल की जानकारी जो अभी तक आपने हमारे दर्शकों के लिए पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे की जानकारी के लिए फिर से आपके साथ जुड़ूंगी। ठीक। अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग ब्लॉक में सुनराकोट बंद पंचायत के अंतर्गत आज एक वनाग्नि की घटना हुई, जिसमें आग बुझाने के चपेट में 4 नेपाली मजदूर आग के इसमें चपेट में आ गए, जिसमें वो काफ़ी
बुरी तरीके से झुलस गए। इसमें दो लोगों की डेथ हो गई है और दो लोग घायल हैं जिनको बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई है और वो आउट ऑफ डेंजर हैं। डेड बॉडी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर पीएम के लिए भेज दी है और इस पूरे घटना के खिलाफ जो है वन विभाग के द्वारा एक एस टू केस भी दर्ज किया गया है और पुलिस के द्वारा भी एक FIR दर्ज की गई है।